एक टाइम था भाई तुम्हारे भाई के पास सिर्फ स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो की भी भीड़ भी होती थी, थी क्योंकि जब हम स्कॉर्पियो कर रहे थे फॉर्चुनर मैंने अभी डेली ब्लॉग में मेंशन ही करी है कि जब ये किट है ये हमारी हो चुकी है भाई सिक्सटी थाउजेंड की तो उसके बाद तो भाई भीड़ हमारे पास फॉर्चुनर की भी लग रही है तो ये हमारे पास ऑल द वे फ्रॉम बिहार आई है कि भाई जो अपनी पुरानी थार हमारे पास आई उसको सेल आउट करने से बढ़िया या नई गाड़ी मेरे को खरीदने से बढ़िया मैं सोच रहा हूँ कि उसी को जनरेशन में कन्वर्ट किया जाएगी ये बताओ कि इस क्वालिटी से माइक की क्वालिटी से कितना वीडियो में फर्क पड़ रहा है क्या मुझे डेली हर वीडियो में ये माइक यूज करना चाहिए फिर कैसा मजा आएगा ना भाई तुम्हारे भाई के पास एक फॉर्चुनर फिर स्कॉर्पियो फिर ओजी थार और फिर जो बलिनो चलो है तो भाई दिल से दिल के करीब सबसे पहले बलिनो ही तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स योर होस्ट डी मकैनिक और भाई स्वागत है आपका एक और बढ़िया सी वीडियो में आज भाई है तो मेरे गैरेज में स्टूडियो के अंदर बैठे हैं मतलब इस रूम के अंदर जो मैंने अपने लिए बना रखा है और आज की इस वीडियो के अंदर तो मैं कुछ डिफरेंस दिख रहा नहीं दिख रहा भाई मैंने ये माइक कैरी करा हुआ है आज और माइक पे मतलब मैं चाह रहा था कि एक बार क्वालिटी चेक करनी कितनी अच्छी लगती है कितनी नहीं लगती एक बार भाई आपको गैरेज का एक अलग तरीके का टूर दे दूं। बार शोर वगैरह सब चीजें होती हैं लेकिन आपको इस बार कुछ अलग तरीके से गैरेज दिखेगा हमारा वॉइस क्वालिटी में ना फर्क आया नहीं आया वो आपने मुझे बताना कमेंट डाउन करके धीरे तो धीरे करके अभी जैसे वॉइस सही हो रही है धीरे धीरे करके और भी चीजें हैं जो सही हो जाएंगी क्योंकि जब सब डेली डलना ही है तो उसको एक टीम सेटअप कर दिया जाए तो कैसा लगेगा उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ अभी तो मैं भाई आज एक फ्रेम के अंदर अगर तुम्हें दिखाऊँ पीछे तुम्हें एक गाड़ी दिख रही होगी हमारे उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन गाड़ी खड़ी है एक टाइम था भाई तुम्हारे भाई के पास सिर्फ स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो की भीड़ होती थी क्योंकि जब हम स्कॉर्पियो कर रहे थे फॉर्चुनर मैंने अभी डेली ब्लॉग्स में मैंशन ही करी है की जब ये किट है ये हमारी हो चुकी है भाई सिक्सटी की तो उसके बाद तो भाई भीड़ हमारे पास फॉर्चुनर की भी लग रही है तो ये हमारे पास ऑल द वे फ्रॉम बिहार आई है और ये गाड़ी हमने ब्लैक फॉर्चुनर अपनी पहली कन्वर्ट करी है सच बताऊ तो ब्लैक फॉर्चुनर पहले हमने किट जो थी पहले भेजी थी बाहर तो ब्लैक बाहर तैयार हुई है लेकिन हमारे गैरेज पे ऑफिशियली ये पहली फॉर्चुनर होने वाली है एटीट्यूड

के जाली के अंदर भी लेकिन हमने कटिंग करना ना प्रेफर करके इसको अलग से प्लेस कर दिया बाहर वो भी प्रॉपर जो अंदर सपोर्ट वपोर्ट डाल के उससे करा बहुत ही बेहतरीन अभी ये गाड़ी निकल के आई है इसके ऊपर एक प्रॉपर ब्लॉग वाले टाइप से मैंने बनाया है वो आपको दिखेगा लेकिन अभी का तो ये है कि भाई कैसी आई थी कैसी बन गई और क्या क्या इसके अंदर काम हुए वो सारे इसके अंदर दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ <coughs> फॉर्चुनर अपनी वाली वो निकालना है एक्चुअली क्या है मैंने अपनी फॉर्चुनर की आपने देखी थी ना सीटें खाली करी थी मैंने वो सीटें जो खाली करी थी वो सीटें इसलिए करी थी कि मेरे को अभी ओवरलैंडिंग ट्रिप पे जाना था लेकिन उससे पहले मेरे को एक और बेहतरीन ज पता चलिए मैं ओवरलैंडिंग ट्रिप तो करूंगा करूंग ही करूंगा लेकिन पहले वो खाली जगह जो है ना वो कहीं और यूटिलाइज यूति करूंगा ये सामान आया हमारे पास फॉर्चुनर का फॉर्चुनर का कौन सा मॉडल का सामान है वो तो आप थोड़ा सा पीछे ऐसे ही देख लेना आपको ज्यादा हिंट नहीं दूंगा आपको पता चल गया होगा कि कौन मॉडल का लेकिन ये एक प्रोजेक्ट फॉर्चुनर के लिए बनने के लिए जा रहा है सारा सामान तो ये पहले सोच रहा हूँ एक माइंड में थॉट ही आ रहा है की जो फॉर्चुनर है उसको लेके निकल जाए बता ही देता हूँ जम्मू गबरू भाई की फॉर्चुनर कन्वर्ट हो रही है आपने देखा उनके चैनल पे प्रोजेक्ट फॉर्चुनर वो उनकी फॉर्चुनर कन्वर्ट हो रही है उसका सारा सामान हमारे पास रेडी पड़ा हुआ है अब ये

की, एक प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो होने वाली है ना वो स्कॉर्पियो भाई कौन सी होने वाली है क्या होने वाला उसमें वो देखो बताना जरा आप कमेंट डाउन करना कि भाई एक स्कॉर्पियो ऑलरेडी हम ले चुके हैं तैयार कर रहे हैं और आपको बहुत तगड़ी एक तुम्हारे भाई की जो स्कॉर्पियो है ना तो जस्ट अभी कुछ ही दिनों के अंदर देखने को मिलने वाली है फिर कैसा मजा आएगा ना भाई तुम्हारे भाई के पास एक फॉर्चूनर स्कॉर्पियो फिर ओजी थार और फिर जो बलिनो है तो भाई दिल से दिल के करीब सब सबसे पहले बलिनो ही और मेरी नई गाड़ी थी वो पहली उसके बाद हमारी जो ये मर्सिडीज़ है तो लगे हुए हैं सिस्टम बिठाने में लेकिन जब ये काफिला जो तुम्हारे भाई का अकेले का होगा क्या चलेगी और चलती हुई

थार को अपनी ओल्ड टू न्यू करेंगे और वो ओनली वन इन इंडिया होगी उसमें कुछ ऐसा काम करेंगे एक बार बजट का आइडिया हो जाए अगर नया सामान नहीं तो पुराने सामान में क्योंकि जैसे हमारी फॉर्चूनर थी पहली जो पंगे होते हैं ना मैं पुराने सामान के साथ लेता हूं अगर मेरी खुद की गाड़ी हो तो जैसे मैंने अपनी स्कॉर्पियो पहले डेवलप करी थी उसके बनाई थी फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ स्कॉर्पियो की भी भीड़ गई और फिर उसके बाद मैंने फॉर्चुनर बनाई तो फॉर्चुनर की भीड़ लग गई अब मतलब जैसे हो रही कन्वर्ट वैसे ही भाई अब हम मतलब मैं तुम्हारा भाई सोच रहा है कि भाई जो अपनी पुरानी थार हमारे पास आई उसको सेल आउट करने से बढ़िया या नई गाड़ी मेरे को खरीद से बढ़िया मैं सोच रहा हूँ लेकिन जो न्यू जनरेशन ऑलरेडी लोग ओन कर रहे हैं वो वाली नहीं कुछ और हटके तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते उसके ऊपर कुछ बढ़िया आपको मतलब एक चीज मिलने वाली है शॉर्ट बॉडी कॉन्सेप्ट या लॉन्ग व्हील बेस या कुछ भी ऐसी मैं बिल्कुल अलग, अलग सोच रहा हूँ तो वो हो जाए और वो अपडेट आपको मिलेगा कि ये बताओ कि इस क्वालिटी से माइक की क्वालिटी से कितना वीडियो में फर्क पड़ रहा है क्या मुझे डेली हर वीडियो में ये माइक यूज करना चाहिए एक्चुअली क्या ये रोड का माइक है ये मेरे मैंने से मैंने दुबई से मंगवाया था और ये मेरे दोस्त हैं जो हर गैरेज वाली टीम है अपनी उन्हीं से मैंने मंगवाया था उन्होंने मेरे को ला दिया था और तब से ये पैक होकर घर में ही पड़ा हुआ था मैं इसको यूज़ किया जाए क्योंकि रोड का माइक रोड का जो माइक होता है इसकी क्वालिटी आपको पता ही है कितनी तगड़ी होती है इसलिए मैंने एक वीडियो डेडिकेट इसी पे कर देते हैं और साथ ही साथ भाई अब थोड़ा चीज़ें अपग्रेड होने वाली हैं टाइम के साथ आप कुछ बहुत बड़ा देखने को मिलने वाला आपको बहुत सारी चीज़ों में तो एक बार ये गाड़ी रेडी हो जाए अरुण भाई वाली भी फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे थोड़ा और तरीके से सिस्टम अपना एक बार लाइनअप अपनी गाड़ियों का भी तैयार हो जाएगा फिर बेहतरीन बात बैठेगी सारी चीज़ों में तो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई थोड़ा सा डिले इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं जो अपनी वीडियो है ना उसके लिए मैं प्रॉपर एक टीम बना रहा हूँ ऑलरेडी वीडियो एडिटिंग के लिए एक बंद एक टीम मैं चाह रहा था कि हो जाए तो अब वो मेरी दो तीन लोगों से बात हो गई है तो उनको वो कर रहा हूँ क्योंकि हमारी ई कॉमर्स साइड जब प्रॉपर एक एक पूरी टीम हैंडल कर रही है हमें को दिख रहा है कि सामान मतलब काम अगर मतलब दे दिया जाए सौंप दिया जाए तो कितने अच्छे से कर सकते हो जैसे आपने मेरी वीडियोस में थंबनेल देखा होगा वो थंबनेल मैं नहीं बना रहा वो थंबनेल जो है हमारे एक आयुष भाई हैं वो बना रहे हैं तो क्या होता है मेरा टाइम बचता है कभी कभी क्या होता है थंबनेल बनाने में मेरे को दो घंटे लगते हैं लेकिन जो उसको बिल्कुल तरीके से करता था वो जल्दी बना देते हैं टाइम भी बचता है डेली मैं आपसे कनेक्टेड भी रहता हूँ मेन मेरा जो एम है वो आपसे डेली कनेक्टेड रहना है और डेली आपको जब देखना पसंद आता ही है तो फिर जब मैं इन सब चीज़ों से फ्री हो जाऊँगा मेरे मेंटल प्रेशर से ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी तो फिर क्या होगा डेली मैं आपसे मिलूंगा अभी एक टीम सेटअप रहेगी ठीक है है जो जो भी मेरी यूट्यूब से इनकम आ रही है वो इनकम हम इस चीज में दे देंगे फिर धीरे धीरे करके इसको डेवलप करके बढ़िया से फिर इसके बाद हम गैरेज को जरा जैसे आप चाह रहे हो वैसे एक एक करके लग के तरीके से सेटअप करेंगे इसे यही कुछ है अभी तो यही कुछ सोचा है बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अच्छी अनाउंसमेंट जो आप चाह रहे हो मेरे चैनल पर वो जरूर आएगी तो यहां तक वीडियो देख लिया बाय बाय मिलते हैं कल